देखिए निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर चल रहा था हमारे पास, और हमने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू अगर थे ए बी दो बिंदु, तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र जितनी दूरी रही है वो आपको बताया था, जिसे हम दूरी सूत्र कहते थे या डिस्टेंस फॉर्मूला, ज्यादा अच्छा रहेगा बोलने में, बढ़िया लगता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र, ठीक है या। और क्या काम है इसका, इसका काम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। और कब ज्ञात करते हैं, जब हमें दो बिंदु दिए हो, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें दो बिंदुओं, पहले बिंदु को एक्स वाई वन कहेंगे और दूसरे को एक्स टू वाई को तथा लिखना है, एक्स टू वाई टू को मिलाने वाली रेखा पर, रेखा को एम अनुपात, रेखा खंड लिख लीजिए, रेखा खंड को एम अनुपात एन में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या, ये हमारा काम है, इसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं इसे है विभाजन सूत्र। तो आज हम विभाजन सूत्र के बारे में बात करें, और विभाजन सूत्र में होता क्या क्या है। हमारे पास एक बिंदु होता है x1 y1 जैसा कि हमने यहाँ बताया, और दूसरा बिंदु है x2 y2, और हम x1 y1 और x2 y2 को मिलाते हैं तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है। ये तो कह रहे हैं दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाला रेखाखंड, इस रेखाखंड पर m अनुपात n में बांटने वाला बिंदु, क्या मतलब है, इस पर कहीं कोई बिंदु स्थित है P, जो इसे M अनुपात N में बांट, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ठीक है, या इसको A को यहाँ लिखो, ये A और ये B, और इसके निर्देशांक हो गए H2 Y। कहानी है क्या, A B पर, और A B कौन है, रेखाखंड AB पर स्थित बिंदु P AB को M अनुपात N में बांट, ये भी दो तरीके से बांटता है, या तो ये अंदर हो सकता है, ये रेखा के बाहर हो सकता है, अंदर बांट रहा है तो अंतर विभाजन, बाहर बांट रहा है तो बाह्य विभाजन। बाह्य पर बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कोर्स में आपके है। तो अगर ये इसे m अनुपात n में बांटना, तो इसका मतलब हुआ AB बटा PB जो है वो m बटे n, मतलब इस शब्द का मतलब क्या है कि P AB को n अनुपात n में बांट रहा है, इस शब्द का मतलब है कि P अगर कहीं पर स्थित है AB पर, तो A से P की जो दूरी है वो m है, P से P की दूरी है m है, AB बटा PB अगर m अनुपात n आ रहा है सिंपलीफाई करने के बाद, ठीक है, तो ये अनुपात जो है वो कहलाएगा कि बिंदु P AB को m अनुपात n में, कोई दिक्कत, हो सकता है ये दो है और ये चार है, तो दो बटे चार लिखेंगे, दो से चार को काट देंगे, कितना आ गया, दो एकम दो एक बटे दो, तो m एक हो जाएगा और n दो, तब भी उत्तर वही आएगा जो आप दो और चार को लेकर आओ, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे अनुपात को आप सरल कर लो चाहे अनुपात को सरल मत, यानी कितनी बात हमें पता होगी जितनी मैं बता रहा हूं, एक बिंदु दिया होगा दूसरा बिंदु दिया होगा, दोनों बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड अपने आप आ जाएगा, इतनी बुद्धि तो हम सब में कि दो बिंदु दिए दोनों मिला लें,
उस रेखाखंड पे एक बिंदु P होगा और हमें अनुपात दिया होगा। उस स्थिति में हमें इस P के निर्देशांक ज्ञात करना है, और P कर क्या रहा है, AB को M अनुपात में बांट रहा है। तो P बिंदु P के निर्देशांक, ये तो विभाजन बिंदु है, इसके निर्देशांक होंगे, उसको याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है। निर्देशांक को x का मापा ही होते हैं, बटे का निशान, दोनों में नीचे अनुपातिक योग आएगा, x में भी अनुपात का योग बटे में आएगा और y में भी अनुपात का योग बटे में आएगा, जो भी। फिर क्या करेंगे, इधर वाले अनुपात को इधर के x निर्देशांक से गुणा करेंगे, n गुणा x1 प्लस इधर वाले अनुपात को इधर के x निर्देशांक से गुणा करेंगे m गुणा x2 बटे अनुपात का योग। ऐसे ये y निर्देशांक निकालना होगा, ये तो x निर्देशांक निकल गया, निर्देशांक तो पता है ना आपको कि किसी बिंदु के निर्देशांक x कॉमा y के रूप में लिखे जाते हैं, इन्हें हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं, इस ब्रैकेट में पहले वाला x होता है और बाद वाला y होता है, और अगर ये y अक्ष है और ये x अक्ष है और यहाँ पर बिंदु x कॉमा y है और यहाँ लंब डाल दिया जाए तो ये दूरी x होगी और ये दूरी y होगी, ये तो कहानी समझ आई आपको, वही से निर्देशांक कहते हैं, पहले वाला x होता है और बाद वाला y होता है। तो हमने इस बिंदु का भी निर्देशांक x कॉमा y मान लेते हैं, तो इसमें x का मान तो ऐसे निकलेगा, y का कैसे निकलेगा, इधर वाले अनुपात की y से गुणा करो, m y2 प्लस इधर के अनुपात की चाहो तो इसको भी ऐसे लिख लो, पहले इधर के m की इधर के x से गुणा, m x2 प्लस n x, दोनों का सीक्वेंस एक साथ, यानी बिंदु x कॉमा y जो है वो कितना आएगा, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n और m y2 n y1 बटे n प्लस n। ये है विभाजन। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ये है प्रश्नावली 7 पॉइंट, पहला ही सवाल कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, किस बिंदु के, एक बताएगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है ये बिंदु, जो बिंदुओं माइनस एक कॉमा सात और चार कॉमा माइनस तीन को मिलाने वाले रेखा, अगर इसे मैं बनाऊं यहां पर तो ये है एक बिंदु माइनस एक कॉमा सात, ये है दूसरा बिंदु चार कॉमा माइनस तीन, ये इन्हें मिलाने वाला रेखाखंड हो गया, ये बिंदु का नाम ए रख लेते हैं और ये बिंदु का नाम बी, और ये ए का निर्देशांक है और ये बी का निर्देशांक। अब हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये आगे रेखाखंड को कितने अनुपात में बांटता है, दो अनुपात तीन में बांटता है। तो भैया कहां पर है वो बिंदु, पता नहीं कहां होगा, इतना तो पता है दो और तीन, दो ज्यादा होता है तीन, तीन ज्यादा होता है, तो अगर बिंदु यहाँ लेंगे तो ये दो होगा और ये तीन, मतलब इधर वाला कम रखेंगे थोड़ा, मान लो बिंदु P ले लिया हमने जो इसे कितने अनुपात में बांट रहा है, तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे, माना बिंदु P AB को दो अनुपात तीन में बांटता तथा P के निर्देशांक मान लो कितने मान लें, x कॉमा y है, तो हमने p के निर्देशांक मान लिए x y,
अब हमारा काम केवल x और y का मान निकालना है। अब आप देखो जरा इसकी तुलना करोगे, इससे सब कुछ दिया रखा है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये m है और ये n है। कौन सा सूत्र लगाएंगे? mx2। क्या नाम है इसका? विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से p के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? px, y बराबर p। और आगे ब्रैकेट में लिखते हैं हम निर्देशांक। निर्देशांक लिखने के लिए पहले ब्रैकेट लगाते हैं, पहला वाला x होता है और बाद वाला y। और क्या था सूत्र? mx2 अभी करो।